आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इससे पहले हमने रिफ्रैक्शन किया था प्लेन सरफेस पर, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो दो तरह का स्फेरिकल सरफेस होता है, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस एंड कनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो सबसे पहला हम केस करते हैं रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। आज हम डिस्कस करेंगे भी जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या इक्वेशन आएगी रिफ्रैक्शन के लिए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे। तो हमारे पास दो मीडियम यहाँ पर है, एक मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इधर जो मीडियम है ये क्या है n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इधर जो मीडियम है ये क्या है n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है। ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम, और हम ये कंसीडर करके चलते हैं n2 जो है दिस इज़ ग्रेटर देन n1, मीनिंग हमारा फर्स्ट मीडियम जो है रेयर मीडियम है और सेकेंड मीडियम जो है वो हमारा डेंसर मीडियम है। लाइट मीनिंग क्या है, लाइट रेयर मीडियम से किधर जा रही है, डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो ये हमारा सरफेस हो गया है, कैसा सरफेस हो गया, ये कन्वेक्स सरफेस। जैसा सरफेस हमें किधर नज़र आएगा, रेयर मीडियम की तरफ, वैसा ही सरफेस का नाम हो जाएगा। तो ये हमारा कन्वेक्स सरफेस है और इस पर हमें रिफ्रैक्शन दिखाना है। तो इससे पहले हमें कुछ जो है साइन कन्वेंशंस करनी पड़ेगी और कुछ अजम्पशंस करनी पड़ेगी। साइन कन्वेंशन क्या है, जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे पोल से करेंगे, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पोल क्या है, इस सरफेस का जो ये सेंटर है इसको हम पोल बोलते हैं। और उसके बाद जो डिस्टेंस हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में लेंगे वो सारे डिस्टेंस हमें क्या लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं। और जबकि लाइट की इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस लेंगे वो सारे हमें क्या लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं। और दूसरा जो ये सरफेस है, हम ये मान के चलेंगे जो ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, इस परपेंडिकुलर के इक्वल है, ए से लेके एम तक। कब, अगर इस सरफेस का जो कर्वेचर है वो हम क्या लेते हैं, वेरी स्मॉल लेते हैं, यानी अपर्चर जो है हम इसका स्मॉल लेते हैं, स्मॉल अपर्चर का जो है अगर इसको कंसीडर करते हैं। तो ये जो पी और एम का जो डिस्टेंस है ये नेगलिजिबल डिस्टेंस है। इसी के साथ साथ जितने भी एंगल्स हम कंसीडर करेंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, आई या आर, ये सारे हम क्या सपोज करेंगे, स्मॉल एंगल्स कंसीडर करके चलेंगे। तो मीनिंग क्या है, अपर्चर अगर स्मॉल है देन एम एंड पी पॉइंट विल कंसाइड विद ईच अदर। तो ये हम मान के चलेंगे ऐसा। तो ये थोड़ी साइन कन्वेंशन है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पोल से मेजर करेंगे। दूसरा डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन पॉजिटिव, पॉजिटिव लेना है। एंड इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करना है हमें, तो इसका जो अपर्चर है, अपर्चर ऑफ द सरफेस इज स्मॉल, सो ए एम जो आएगा, यानी कि ये जो हमारे पास क्या आएगा ए पी, इसको हम किसके इक्वल मान के चलेंगे, ए एम के इक्वल। और सेकंड वन क्या जूम करेंगे, ऑल द एंगल्स आर स्मॉल एंगल्स, सभी एंगल जो है वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे। आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अल्फ़ा जो एंगल दिखाया है ये ओ हमारा ऑब्जेक्ट है, सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर, तो आर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सी जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आई जो है हमारी इमेज है, और पी हमारा पोल है। और यहाँ पे ये हमने
एन सी जो एक नॉर्मल ड्रॉ किया किसी भी पॉइंट जो मिरर के सॉरी जो इस सरफेस के ऊपर पॉइंट लेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, उस पॉइंट से जो लाइन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ड्रॉ करते हैं उस लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं। यानी कि ये जो रेड लाइन दिखाई हुई है क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस है हमारी। तो अब हम इसको आगे करेंगे, सॉल्व करेंगे पूरे को, हमें इक्वेशन डिराइव करनी है किसके लिए, रिफ्रैक्शन के लिए। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो स्नेल्स लॉ हमें अप्लाई करना है। देखो हमारा ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये हमारी फाइनल इमेज बनी है। एक रे हम इंसिडेंट करेंगे, देखो ये रे ये किसी पॉइंट ए पर जो है स्फेरिकल सरफेस के इंसिडेंट की है, तो इसका एक्चुअल पाथ ये था। बट जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो वो किसकी तरफ बैंड हो जाएगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, तो इधर ये बैंड होगी। और एक रे हमारी जो है पोल में से पास होगी, ये देखो पोल में से जो रे पास होगी वो कहाँ पर मिलेगी, आके इस आई पॉइंट पर मिलती है। तो जहाँ पर दोनों रे मिलेगी वहाँ पर हमारी फाइनल इमेज बनेगी। तो इसकी एक और अजम्पशन हम लेके चलेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा और जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसे बनेंगे, पॉइंटेड मान करके चलेंगे, दोनों ही कैसे हैं पॉइंटेड है। तो सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हमें अप्लाई करना है इसके ऊपर। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अगर रिफ्रैक्शन की कंडीशन लगाएं, यानी कि एन वन साइन आई, फर्स्ट मीडियम के अंदर एंगल ऑफ आई बना हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई ये किसके इक्वल आएगा, एन टू इंटू साइन आर के इक्वल आएगा। स्नेल्स लॉ हमने अप्लाई कर दिया सबसे पहले। अब सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, जब एंगल स्मॉल है तो साइन आई को नियरली हम क्या इक्वल लिखेंगे, साइन आई के इक्वल लिखेंगे सिंपल आई, और आर को साइन आर को हम लिखेंगे आर के इक्वल। तो ये पुट कर देंगे सबसे पहले, एन वन आई इज इक्वल टू एन टू आर। अब हमें क्या करना है, आई और आर की वैल्यू इन टर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा पुट करनी है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। एंगल स्मॉल लेने हैं तो साइन आई आई के इक्वल, साइन आर आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें देखो, अगर हम यहाँ ये ट्रायंगल चेक करें ओ ए सी, इस ओ ए सी में इंटरनल एंगल हमारा अल्फ़ा और गामा है और एक्सटर्नल एंगल हमारा क्या है आर। तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, सॉरी आर नहीं है, ओ ए सी, ओ ए सी में एक्सटर्नल एंगल हमारा आई है और इंटरनल एंगल हमारा क्या है अल्फ़ा और गामा। तो इस ट्रायंगल से ओ ए सी से, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी में देखे एक्सटर्नल एंगल हमारा आई है, तो एक्सटर्नल एंगल जो है दोनों इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा प्लस गामा के इक्वल आ जाएगा। और ऐसे ही आर निकालना है हमें, आर के लिए हमारे पास अनदर ट्रायंगल है, वो ये है हमारी सी ए आई, फ्रॉम ट्रायंगल सी ए आई, सी ए आई में देखे अगर गामा जो एंगल है ये एक्सटर्नल एंगल है गामा, तो गामा हमारा इक्वल है किसके, आर प्लस बीटा के। लेकिन हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू जो आएगी दिस इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ये हमारी जो है आर की वैल्यू आ गई है, ये आई की वैल्यू, ये आर और आई की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर वन में पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे इसको, तो एन वन आई, आई की वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस गामा दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पे N2 और R की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू आई है हमारी गामा माइनस बीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर टू बन गई है। मीनिंग जितने भी हमें टॉपिक करेंगे, हम जितनी भी बार रिफ्रैक्शन करेंगे, चाहे वो कन्वेक्स सरफेस पर करें चाहे वो कनकेव सरफेस पर करें, सभी के लिए हमारी जो है इस तरह से इक्वेशन बनेगी। यही स्टेप हमें फॉलो करने हैं जो स्टेप इसके अंदर आया है। तो सबसे पहले एन वन अल्फ़ा गामा और अल्फ़ा गामा माइनस बीटा आया हुआ है, तो ये यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है अल्फ़ा बीटा और गामा की। तो ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ हमने ए एम, तो सबसे पहले ये ट्रायंगल बन गई हमारी जो एम के ऊपर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस ट्रायंगल से हमें टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो टेंजेंट अल्फ़ा जो आएगा हमारा, क्योंकि अब टेंजेंट अल्फ़ा, बिकॉज अल्फ़ा एंगल इज़ वेरी स्मॉल, देन टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी बे परपेंडिकुलर को अगर हम बेस से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा ए एम डिवाइड बाई ओ एम, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी ए एम डिवाइड बाई ओ एम। इसके बाद नेक्स्ट जो है
टेंजेंट बीटा निकाल लेते हैं। ऐसे ही टेंजेंट बीटा इधर वाले ट्रायंगल जो है हमारी ये आई एम ए जो कि एम के ऊपर परपेंडिकुलर बना हुआ है, यहाँ से हम टेंजेंट बीटा, क्योंकि टेंजेंट बीटा भी किसके इक्वल आएगा, बीटा के इक्वल, बिकॉज एंगल इज़ वेरी स्मॉल। तो बीटा की जो वैल्यू आएगी इसको भी हम निकाल लेते हैं, ये आएगी ए एम डिवाइड बाई एम आई, ये क्या हो जाएगी ए एम डिवाइड बाई एम आई। और ऐसे ही हम जो है गामा की वैल्यू निकाल लेंगे, टेंजेंट गामा जो आएगा दिस इज़ नियरली इक्वल टू गामा, और ये हमारा जो आएगा इस ट्राइंगल में से आ जाएगा सी एम ए में से, तो ए एम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये ए एम डिवाइड बाई एम सी हो जाएगा। तो ये हमारी सारी वैल्यूज निकाल करके क्वेश्चन नंबर टू में पुट कर देनी है हमें। तो एन वन जो आएगा एन वन, और अल्फ़ा की वैल्यू ए एम डिवाइड बाई ओ एम, या एम ओ भी लिख सकते हैं हम इसको, क्या लिख सकते हैं हम इसको, एम ओ लिख देते हैं, एम को पहले लिख देते हैं, ओ को बाद में लिख देते हैं, एम ओ प्लस में था गामा, गामा की वैल्यू हमारी थी ए एम डिवाइड बाई एम सी इज इक्वल टू एन टू, यहाँ पर हमारे पास था गामा माइनस बीटा, और बीटा की वैल्यू ए एम डिवाइड बाई एम आई, ए एम डिवाइड बाई एम आई। अब देखो जितनी भी टर्म्स है ए एम ए एम ए एम ए एम, सब में से ए एम कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ए एम को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है यहाँ से, ये देखो ए एम को हम क्या कर देंगे, कैंसिल। तो जो बचेगा उसको राइट करते हैं एन वन, वन डिवाइड बाई एम ओ प्लस वन डिवाइड बाई एम सी इज इक्वल टू एन टू, वन डिवाइड बाई एम सी माइनस में वन डिवाइड बाई एम आई, ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो सबकी अगर वैल्यू पुट करनी है हमें, वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। देखो एम से लेके जो आई तक का डिस्टेंस है, सॉरी ये जो सबसे पहले एम को हमें रिप्लेस करना है पी से, रिप्लेस करना है क्योंकि एम एंड पी पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो एम की जगह हम पी राइट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पी ओ प्लस में वन अपॉन पी सी, दिस इज इक्वल टू एन टू, वन अपॉन पी सी माइनस वन अपॉन पी आई। मीनिंग क्योंकि हम मान के चले हैं अपर्चर स्मॉल है, एम पॉइंट जो है ए एम डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, ए पी के इक्वल है, तो एम की जगह क्या पुट कर देंगे, पी पुट कर देंगे। और इसमें से अब हमें वैल्यूज पुट करनी है सभी की, तो साइन कन्वेंशन लगा के या तो यहीं पर वैल्यू पुट कर दो, या पी सी वाली टर्म जो है एक तरफ कर लेते हैं और पी ओ वाली बाकी टर्म से एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा एन वन डिवाइड बाई पी ओ, ठीक है, और प्लस में एन वन डिवाइड बाई पी सी, दिस इज इक्वल टू एन टू डिवाइड बाई पी सी माइनस में एन टू डिवाइड बाई पी आई, ये हमारे पास आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फर्दर आगे इसको अप्लाई करना है। पी सी वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, तो यह हो जाएगा इधर से आएगा एन वन डिवाइड बाई पी ओ, उधर से ये जो टर्म है इसको इधर ले आएंगे, ये प्लस की हो जाएगी, प्लस एन टू डिवाइड बाई पी आई, दिस इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एन टू डिवाइड बाई पी सी, और माइनस में इधर आके हो जाएगा एन वन डिवाइड बाई पी सी। तो ऊपर से अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है हमें, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। देखो पी से लेके ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम राइट करते हैं यू, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और पोल से लेके जो हमारा आई इमेज जो है, आई क्या है यहाँ पर, इमेज है, इमेज तक का जो डिस्टेंस आएगा उसको हम राइट करते हैं वी से। तो सिंपल जो है नोटेशन हम यूज करेंगे जो आप टेंथ क्लास में यूज करते आए हो, तो यहाँ पर पुट करेंगे साइन कन्वेंशन लगा करके। तो सबसे पहले क्या आया हमारा एन वन आया, एन वन, एन वन डिवाइड बाई पी ओ, पी से लेके ओ तक का डिस्टेंस यू है, बट साइन कन्वेंशन अगर लगाएं इंसिडेंट लाइट जो है हमारी इधर जा रही है देखो, जबकि हम डिस्टेंस इसके बिल्कुल अपोजिट माप रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये माइनस में आएगा, माइनस यू, और प्लस में एन टू, एन टू डिवाइड बाई पी आई। अब P से लेके I तक का डिस्टेंस ये हमारा V है, और ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंस है, इसलिए हम इसको राइट करेंगे पॉजिटिव V, दिस इज इक्वल टू
अब यहाँ से जो है पीसी भी नीचे कॉमन आ सकता था, एन टू माइनस एन वन राइट कर सकते हैं इसको, डिवाइड बाई पीसी। अब पीसी की जो वैल्यू आई है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी लाइट की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर राइट कर देंगे आर। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स सरफेस। ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, जब ऑब्जेक्ट हमारा किसमें था, रेयर मीडियम के अंदर था। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यही हमें आगे अप्लाई करना है जब हम कंसीडर करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। तो कल हम डिस्कस करेंगे डेंसर मीडियम का केस। देखो हमारे पास कई केस आएंगे, सेकंड केस आएगा वो भी कन्वेक्स के लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। तो मीनिंग क्या, सिर्फ हमारी क्या बदलेगी, डेंसिटी चेंज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगी, और करने का तरीका बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। तो ये आप अपने आप ट्राई करोगे। मैं इसका फॉर्मूला लिखूँगा, सिर्फ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन वन की जगह एन टू आ जाएगा और एन टू की जगह एन वन आ जाएगा, एन वन माइनस एन टू आएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा जब ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में रखा होगा, ठीक है। तो ये हमने किस सरफेस के लिए किया है, ये हमने किया कन्वेक्स सरफेस के लिए, कन्वेक्स सरफेस। ऐसे ही हम रिफ्रैक्शन एट कनकेव सरफेस कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस, कनकेव स्फेरिकल सरफेस पर कर सकते हैं। तो उसका भी हमारे पास दो केस बनेंगे, पहला केस हमारा बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। हालांकि जो एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही केस गिवन है, तो आप चार केस यहाँ पर मेन डिस्कस कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट जब रेयर मीडियम में रखा होगा कन्केव सरफेस के लिए, तब हमारी इक्वेशन वही बनेगी जो पहले बनी हुई थी, जो कन्वेक्स के केस में बनी थी, वन अपॉन यू एन टू डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन डिवाइड बाई आर। तो मीनिंग पहली इक्वेशन तो हमारी वही बनेगी जो हमारी किस केस में बनी थी, कन्वेक्स के केस में बनी थी, जब उसमें ऑब्जेक्ट को हमने रेयर मीडियम में रखा था। और दूसरा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। तो ये इक्वेशन भी हमारी सेम वैसे ही आएगी, सिर्फ हमारा क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंटरचेंज हो गया। तो एन टू डिवाइड बाई माइनस यू प्लस एन वन डिवाइड बाई वी दिस इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू डिवाइड बाई आर। एन वन और एन टू हमारी क्या थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग मीडियम की। तो वो केस आप अपने आप ट्राई करोगे, मैं आपको उनके जो है पिक्चर सेंड कर दूंगा, तो आप उससे चेक करिए और उन केसेस को जो है अपने आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।